1600 फीट की ऊंचाई पर भगवान शिव की स्थली आदि कैलाश और पार्वती सरोवर का ये नज़ारा ये बताने के लिए काफ़ी है कि जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचेंगे तो शिव स्थली के सम्मोहन में ध्यानमग्न होंगे। वहीं सामने पर बना पार्वती कुंड उनकी धार्मिक भावनाओं को नई ऊंचाइयां देगा। स्थानीय लोग भी तपोभूमि आदि कैलाश में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार हैं। भारत चीन की सीमा पर स्थित कैलाश धार्मिक सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि प्रशासन और सेना अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और स्थानीय लोग उनके आगमन की प्रतीक्षा में हैं। आदि कैलाश का नाम जब मिस्टर शर्मा जी आर के शर्मा साहब जब यहाँ डीसी पिथौरागढ़ रहे उन्होंने इनका नाम डाला था। पहले इसको जोलिंगकंग गिंजती ताल के नाम से ही हम लोग इसका पूजा करते थे सर। और यहाँ की जो महिमा है कि जो भी आदमी अपनी मन्नत लेके यहाँ आते थे, बुजुर्ग लोग, पहले तो मातृकूटी गांव ही इसकी आराधना करते थे। जब से आदि कैलाश का नाम महेंद्र कुटियाल जी DDO थे और आर के शर्मा साहब जिलाधिकारी थे, उन्होंने आदि कैलाश का नाम लेने के बाद यहाँ पर्यटनों का आगमन हुआ है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको, क्या आपको लगता है? जी, हमें तो ये लगता है कि प्रधान श्री मोदी जी जब यहाँ आएंगे तो उनका भव्य स्वागत होगा। तो मेरा मानना ये है कि जैसे चार धाम उत्तराखंड में हैं, तो श्री मोदी जी से हमें ये विश्वास है कि ये पांचवें धाम में ओम पर्वत और आदि कैलाश का जो वो है पांचवें धाम से घोषित करना करें तो बहुत बड़ी बात होगी। और सारा पर्यटन यानी कि मतलब पूरा भारत से सारे पर्यटन यहाँ आए। अभी भी पर्यटन काफ़ी अधिक आ रहे हैं, बाइकर्स आ रहे हैं और काफ़ी अधिक लोग आ रहे हैं। तो इसका जो महत्व बड़ा कैलाश जो चाइना कोरोना से पहले जो लोग जाते थे तब भी कुमाऊं विकास निगम के माध्यम से यहाँ से कम पर ईयर 600-700 लोग पहले भी आते थे। आपका क्या नाम है? जी, मैं रमेश कुटिया। हिमालय में आदि कैलाश के तलहटी पर पार्वती कुंड है, इसकी धार्मिक मान्यता बेहद अधिक है। प्रधानमंत्री मोदी का भी पार्वती कुंड और पार्वती माता मंदिर में जाने का कार्यक्रम है। साल में अधिकांश समय बर्फ से जमे रहने वाला पार्वती कुंड आजकल आसमानी नीले पानी से भरा हुआ नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता मुकेश पंत पार्वती कुंड पहुंचे, उनसे जानिए आदि कैलाश और पार्वती कुंड की धार्मिक मान्यता। मैं अभी स्थली आदि कैलाश के पास हूं और मैं आपको दिखा सकता हूं कि हमारे ठीक पीछे पार्वती सरोवर है। ऐसा माना जाता है कि शिव की स्थली आदि कैलाश में जब शिव विराजे थे तो पार्वती भी यहाँ पे आई थी और उन्होंने यहाँ पे स्नान किया था, तभी इस पूरे स्थल को पार्वती कुंड के नाम से जाना जाता है। बहुत ही शानदार यह स्थल है, बहुत सुंदर नज़ारा इसका है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे एक मंदिर भी यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बनाया हुआ है, जिसको पार्वती मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे धार्मिक आस्था लोगों की है और बहुत सारे लोग जितने यहाँ पे पहुँचते हैं पर्यटक, वह इस मंदिर में ज़रूर आते हैं और पूरा नज़ारा यहाँ से पार्वती सरोवर और आदि कैलाश का दिखाई देता है। निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुँचेंगे नरेंद्र मोदी, वह जब इस पूरे स्थल को देखेंगे और ख़ासकर आदि कैलाश को जब वह देखेंगे, शिव की स्थली को, निश्चित रूप से वो अभिभूत होंगे। और आने वाले समय में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह शानदार नज़ारा, यह अद्भुत स्थल पर्यटकों की नज़र में आएगा और वह यहाँ को पढ़ेंगे। देश में यह जो इलाका है आदि कैलाश का, जो यह स्थल है सामरिक महत्व से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और चीन की सीमाएं यहाँ से लगती हैं। इसलिए भी जो नरेंद्र मोदी का यहाँ का दौरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा, बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आदि कैलाश से मैं मुकेश पंत, सहारा न्यूज़ ब्यूरो।